क्या हुआ जब बेगुनाह आदमी को सुनाई गई उम्र कैद की सजा? क्या यह आदमी पूरी उम्र एक ही जेल में बंद रहेगा या फिर वहाँ से भाग जाएगा? तो चलिए देखते हैं। मूवी के शुरू में हमें एंडी नाम का एक आदमी कोर्ट रूम में दिखाया जाता है। दरअसल एंडी की वाइफ का चक्कर किसी और मर्द से चल रहा था। एंडी ने दोनों को मार दिया था, जिसकी वजह से उसे उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है और फिर उसे एक ऐसी जेल में रखा जाता है जहाँ से आज तक कोई भी कैदी नहीं भागा, और अगर कोई भागने की कोशिश करता तो पुलिस उसे तब तक पीटती है जब तक वो अधबड़ा ना हो जाए। कुछ दिन तक एंडी किसी भी व्यक्ति से बात नहीं करता, लेकिन फिर एंडी एक रेड नाम के कैदी से दोस्ती करता है। एंडी उसे एक हथौड़ी मांगता है, रेड उसे प्यार से हथौड़ी दे देता है। रेड मन ही मन बोलता है कि इस हथौड़ी से भागने में 100 साल तो लग जाएंगे। फिर हम कुछ समय बाद देखते हैं कि जेल के कुछ कैदी एंडी के साथ बदतमीजी कर रहे हैं और फिर उसे मारने लगते हैं, जिसके बाद एंडी काफी शांत रहने लग जाता है। एक दिन एंडी कैदियों के साथ छत की मरम्मत कर रहे होते हैं और उन्हीं के पास एक ऑफिसर बातें करते हुए बता रहा होता है कि उसके भाई ने उसे $30,000 इनाम दिए, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं क्योंकि वो पूरे पैसे सरकार को टैक्स के रूप में चले जाएंगे। एंडी उनकी बात सुनकर ऑफिसर को बोलता है कि क्या तुम अपनी बीवी पर विश्वास करते हो? उनके मामले में दखलंदाज करने के कारण ऑफिसर उसे छत के किनारे मारने के लिए ले आता है, लेकिन एंडी उसे बताता है कि वो एक बड़ा बैंकर है और वो उसकी फ्री में मदद कर सकता है, बस उसे उन सभी को बियर पिलानी होगी। एंडी उसके काम को करने के बाद अपने दोस्तों के साथ बियर पीता है। उसके बाद सभी कैदी मूवी देखने लगते हैं, लेकिन एंडी वहां से जाने लगता है। तभी वो कुछ कैदी उसे पकड़कर मूवी दिखाने वाले रूम में ले आते हैं। वो उसके साथ कुछ गलत करने ही वाले होते हैं कि तभी एंडी उनके बॉस पर वार कर देता है, जिसके बाद वो सब एंडी को काफी ज्यादा मारते हैं। लेकिन जब ये बात उस ऑफिसर को पता चलती है जिसका एंडी ने काम किया था, वो ऑफिसर उसे मार मरकर अपन कर देता है। कुछ दिन बाद उस जेल का वार्डन एंडी की सेल चेकिंग करने आता है। वार्डन एंडी को बोलता है, वैसे तो मैं सेल के अंदर किसी भी पिक्चर को लगाने की परमिशन नहीं देता हूँ, पर तुम्हारे लिए मैं इनको नहीं हटवाता। हैरानी की बात तो ये होती है कि वार्डन के आदमियों को एंडी की हथौड़ी नहीं मिलती जो उसने रेड से ली थी। फिर वार्डन एंडी की एक बुक देकर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट दिन वार्डन उसे अपने ऑफिस की लाइब्रेरी में बुलाता है और फिर वहां से एंडी सभी ऑफिसर्स की ITR बनना शुरू कर देता है। धीरे धीरे उसके पास काम अधिक होने के कारण उसे अपने असिस्टेंट के रोल में रेड को रखता है। कुछ साल के बाद लाइब्रेरी के एक कैदी की सजा माफ हो जाती है, लेकिन वो कैदी जेल से बाहर जाना नहीं चाहता। वो जानबूझकर किसी एक कैदी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन एंडी उसे ऐसा करने से रोक देता है। जेल से बाहर जाने के बाद वो देखता है कि बाहर का सिस्टम पूरा चेंज हो गया है। अरे एलविज भाई, क्या ये कोई बोलता? एलविज भाई। और अब वो अकेला होता है। उसकी कोई फैमिली ना होने के कारण से वो सुसाइड कर लेता है। सीन शिफ्ट होता है और हम जेल के अंदर का सीन देखते हैं कि वार्डन अब से कैदियों को जेल से बाहर ले जाकर उनसे काम कराएगा ताकि सभी कैदी मेहनत के खाना सीख सके। वार्डन सस्ते में कैदियों से काम कराकर काफी पैसे इकट्ठा कर लेता है, पर ये ब्लैक मनी होती है। वार्डन इस मनी को खुद के अकाउंट में ना डालकर किसी आदमी के अकाउंट में डालता है जो इस दुनिया में होता ही नहीं। दरअसल वो फेक अकाउंट होता है। फिर हमें एक टॉमी नाम के नए कैदी को जेल में आते देखते हैं। टॉमी काफी जल्दी एंडी और रेड के क्लोज आ जाता है। टॉमी को जब एंडी के बारे में पता चलता है कि एंडी के ऊपर 2 मर्डर केस के कारण उसे उम्र कैद की सजा हुई है, तो टॉमी उसे सच्चाई बताता है कि वो मर्डर तुमने नहीं किया था, किसी और ने किया था, जिसके बाद एंडी वार्डन से बात करता है, लेकिन वार्डन उसकी बात पर ध्यान नहीं देता है। फिर एंडी बोलता है कि वो उसके सभी काले धंधे के बारे में जानता है। ये सुनने के बाद वार्डन को गुस्सा आ जाता है, जिस कारण से वो उसे 1 महीने के लिए काल कोठरी में बंद कर देता है और उस टॉमी को गोलियों से मार देता है। काल कोठरी के बाहर आने के बाद एंडी वार्डन का काम करने से मना कर देता है, जिससे वार्डन उसे 1 और महीने के लिए काल कोठरी में डाल देता है। 2 महीने के बाद एंडी रेड के साथ बैठा होता है। दोनों बाहर निकलने के बारे में बातें करते हैं। एंडी बोलता है कि जब भी तुम जेल से छूट जाओगे तो उस लोकेशन पर एक काले पत्थर के नीचे तुम्हारे लिए कुछ रखा होगा। उसके बाद एंडी को मजबूरन वार्डन का काम करने जाना पड़ता है। काम करने के बाद वो उन फाइल्स को उनकी जगह पर रख देता है। जाते समय वार्डन उसे अपने कपड़े व जूते धुलवाई के लिए देता है। एंडी वहां से सीधा अपने सेल में आ जाता है। रात को रेड काफी परेशान होता है। शायद उसे पता होता है कि आज एंडी यहां से भागने वाला है। अगले दिन रेड देखता है कि एंडी अपने सेल से बाहर नहीं आया। दूसरी तरफ वार्डन अपने जूते डालने के लिए उसे बॉक्स से निकलता है कि तभी वहां एक सायरन बजता है जो कि किसी कैदी के भागने का होता है, और वो वार्डन के जूतों को अपने जूतों से बदलकर भाग गया है। वार्डन एंडी की सेल को चेक करने लगता है और साथ ही वो रेड से कुछ सवाल जवाब करते हुए वो एक पत्थर को एक पोस्टर में मारता है, जहां उसे पता चलता है कि वो एक टनल से भागा है। दरअसल एंडी उस हथौड़ी से दीवार से टनल बना रहा था और टूटी दीवार के अवशेष को वो अपनी पेंट की जेब में डालकर बाद में गार्डन में फैला देता। भागने से पहले एंडी ने वार्डन के काले धंधे के पेपर भी चुरा लिए थे। बाहर निकलने के बाद वो उस काले धन को बैंक से निकलवा लेता है और अब एंडी करोड़पति भी बन चुका होता है। लेकिन बाद में वो वार्डन के काले धंधे की फाइल्स पुलिस के पास पहुंचा देता है, जिसके बाद ये खबर अखबार में छप जाती है।
वार्डन अखबार पढ़ने के तुरंत बाद अपनी अलमारी में फाइल्स चेक करता है, जहां उसे फाइल्स न मिलकर एंडी की एक बुक मिलती है जिसके अंदर उसने अपनी हथौड़ी छिपा कर रखी होती है, क्योंकि अब वार्डन के काले धंधे के बारे में सभी को पता चल गया था। तो वो खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लेता है और उसके सुसाइड के कुछ ही महीनों के बाद रेड भी जेल से छूट जाता है। जेल से बाहर आने के बाद वो उसी जगह पर जाता है जहां एंडी ने उसके लिए कुछ रखा होता है, और मूवी के एंड में हम रेड को एंडी के साथ देखते हैं और मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी लाइक वो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।